अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है होम फोन्स। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स को देखिए हम आज का हमारा जो टॉपिक है होम फोन्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ये देखिए कि इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट ऑल हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। इसकी डेफिनेशन में क्या है देखिए, दीज आर वर्ड्स which have the same sound as other words but the spelling is not the same nor is meaning। यानी कि इनके साउंड्स बिल्कुल सेम होती हैं। जब हम बोलते हैं जैसे सन, सूरज, ठीक है, सूरज को इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं? सन, एस यू एन, सन। इसी तरह एस ओ एन सन हम बेटे को बोलते हैं, यानी कि सन की मीनिंग है बेटा। देखिए इनके साउंड सेम है, साउंड तो इनके सेम है। सूरज को भी सन ही कहते हैं और बेटा उसको भी सन ही कहते हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग में फर्क है एंड इनके स्पेलिंग में फर्क है और इनकी मीनिंग चेंज है। उर्दू मीनिंग इनके चेंज है और स्पेलिंग भी इनकी स्पेलिंग में फर्क है, लेकिन इनके साउंड सेम है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड के व्हाट इज होम फोन्स। होम फोन्स किसे कहते हैं? मतलब वो वर्ड्स जिनके साउंड सेम होती हैं लेकिन स्पेलिंग में फर्क होता है और उनके मीनिंग चेंज होते हैं लेकिन उनके साउंड सेम होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अ डियर इज एन एनिमल। अब डियर एक जो एनिमल है हम उसे भी डियर ही कहते हैं, और एक ये डियर है, अ डियर फ्रेंड इज अ बिलव्ड फ्रेंड। ये दोनों डियर बोलने में तो इनके साउंड सेम है लेकिन इनके उर्दू मीनिंग चेंज है और इनकी स्पेलिंग भी चेंज है। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे देखिए, सर्कल द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। ये पिक्चर्स आपको स्टूडेंट नजर आ रही हैं। ओके स्टूडेंट, वर्कबुक पेज नंबर 58 में आप इसे देख सकते हैं। ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये सन इन्होंने बनाया हुआ है, एस ओ एन सन। वो तो हम इसको यहाँ पर नहीं करेंगे, हम एस यू एन सन को टिक करेंगे क्योंकि एस ओ एन सन मीन सूरज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह ये देखिए आप स्टूडेंट्स, इन्होंने एक ईयर दिया हुआ है, यानी कि इसके अपने हेयर पे हम टिक करेंगे क्योंकि हेयर मीन सुनना, एच ई एयर हेयर सुनना। ओके, ऊपर वाले पे हम टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, निचले वाले दो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आप खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं इजिली, राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच क्लू चूज फ्रॉम दी बॉक्स बिलो। बॉक्स में आपको दिए हुए उसे आपको करेक्ट वर्ड चूज करने हैं। ओके, और डैश में लगाने हैं। ये आप देखिए नंबर फर्स्ट पे आप देख रहे हैं, डैश अ सेट ऑफ टू। तो ये हमने बॉक्स से एक वर्ड चूज करना है और यहाँ लगाना है डैश अ सेट ऑफ टू। तो यहाँ क्या आएगा? पेयर, पेयर यानी कि पी ए आई आर, पेयर, ये वाला पेयर हम डैश में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर सेकेंड में आप देखिए, लेकिन सेकेंड में हम ये पेयर होगा वो पेयर ही बोलने में, साउंड तो सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग में और उसके मीनिंग में चेंज है। ओके, अब ये पी ए आई आर पेयर, ये हमने फर्स्ट में लिख दिया, नीचे डैश में हम लिखेंगे पेयर ही होगा वो लेकिन उसकी स्पेलिंग होगी पी ई ए आर पेयर, पेयर फ्रूट दी ग्रो ऑन द ट्री। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको सेंटेंस देख के आपको इनके मीनिंग का पता चल गया होगा, इस पेयर के क्या मीनिंग है और इस पेयर के क्या मीनिंग है। ओके स्टूडेंट्स, बोलने में साउंड सेम है इनकी लेकिन इनमें मीनिंग चेंज है इनके और स्पेलिंग भी आपको देखो ये चेंज है, इसका पी ए आई आर पेयर, नीचे पी ई ए आर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने सारे होम फोन्स यानी कि ये आपने जो है डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और बाकी मैं आपको पिक भी सेंड कर रही हूँ, ये आपने खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, पिक भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ये आपने खुद करने हैं और फिर आपने मुझे पूरे फिल करके मुझे सेंड कर देना। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।